लें जी, ये अहमद को एक खिलौना मिल गया है यहाँ पे। ये ऑस्ट्रेलियन गाय का बछड़ा है, ये कोई 2 माह का 1.5 माह का बच्चा है ये, जिसे अहमद जो है, हालांकि अहमद डरता बहुत है इस तरह के जानवर से, लेकिन अहमद इसे प्यार कर रहा है। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चाचान के जानवर हैं जी, चाचू सुल्तान के ये जानवर हैं सारे। तो ये सामने ज़मीन भी जो है सारी चाचू सुल्तान की है, इसमें वो बाग है फलदार पौधों का, तो वो भी चलते हैं और आपको साथ साथ दिखाते हैं कि क्या है, और साथ ही फिर आपको जो है वो अपनी ज़मीन भी विज़िट करवाते हैं। चलो ये देखें व्यूअर्स, ये चाचू लोगों ने भी यहाँ पे ये सारा लहसुन लगाया हुआ है, देसी लहसुन ही है सारा। तो ये लहसुन है, इसके आगे पालक है सारी लगी हुई है, और साथ में ये किन्नू के पौधे हैं ये, और वो सामने भी मौसमी शिकरी के भी हैं जिनमें कुछ फल लगे हुए हैं। दूर से शायद नज़र नहीं आया, अभी मैं करीब जाता हूँ, फिर करीब जाके बनाते हैं वीडियोज़ दोबारा। तो अभी ये जो है गिल साहब भी अपनी रैंडम वीडियोज़ जो हैं वो बना रहे हैं, और अहमद बेटा भी गिल साहब के साथ साथ अपनी वीडियो बनवा रहा है। तो चलें, हम चल रहे हैं, और यहाँ से करीब ही अपनी ज़मीन है जहाँ वो आपको ऑलरेडी पहले दिखाई थी, तो अभी वो जाते हैं उधर दिखाते हैं फिर आपको। ले व्यूअर्स, चलते चलते ये मुर्गी और उसके बच्चे ये देखें ज़रा, ये साइड पे भी ये एक और मुर्गी है, इसके साथ माशाल्लाह बच्चों की तादाद जो है ज़्यादा है। ये अपने चूज़े लेके जो है साथ साथ ये देखें, ये इस तरह ज़मीन को अपनी टांगों से जो है वो हिला के बीच में से कीड़े निकालेगी और अपने बच्चों को जो है वो ये इस तरह कीड़े खिलाती हैं, और सेम एज़ इट इज़ ये भी इसी तरह कर रही है। इसके पास बच्चे थोड़े हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 10 बच्चे इसके साथ हैं माशाल्लाह, और इसके साथ जो है वो 15-20 बच्चे हैं माशाल्लाह इस मुर्गी के साथ। तो ये गाँव में इस तरह के मज़े बड़े चलते हैं जी। ये व्यूअर्स, वो जो कल आपको दिखाया था चौधरी शुएब साहब के डेरे पे, ये बाजरा, ये सारा बाजरा ही है। अभी ये सिट्टों की शक्ल में है, इसे सिट्टा बोलते हैं जैसे मैंने कल आपको बताया था। तो ये सिट्टे हैं, इनके बीच में ये बाजरा है सारा। अभी इसको ये मशीन में जब ये डालेंगे तो मशीन जो है इसमें से मोटा दाना जो है वो बाजरे का अलग कर लेगी, और बारीक दाना अलग हो जाएगा, और जो इसके ऊपर बाल और भूसा इसका कहते हैं वो भूसा अलग हो जाएगा इसका सारा। व्यूअर्स, ये कपास के पौधे हैं, कपास की चुनाई हो गई सारी, कपास जो थी वो अब उठा ली गई है, लेकिन ये कुछ जगह पे कपास अभी है। ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये कपास का पौधा होता है, फूल होता है ये, लेकिन इस फूल में से इस तरह ये कपास सारी जो है निकाल लेते हैं यूं खींच के, तो ये कपास होती है सारी, कॉटन जिससे बनती है हमें, जिसे कॉटन कहते हैं। और ये देखें, ये ऊपर वाला कुछ है ये, लेकिन इसमें ये खुल नहीं सका आपने ना, तो ये टूट गया, मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये खुल नहीं सका, इसलिए इसके अंदर जो कॉटन थी वो ख़राब हो गई सारी। तो ख़ुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से ये खुलते हैं, जैसे जैसे खुल जाते हैं, तो ये देखें, ये इसको हम बोलते हैं डोडा कॉटन का ना फूल, इससे आगे फिर ये फूल, फूल के बाद ये बनेगा, और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे खुलता है तो फिर इसके बीच में से कॉटन निकलती है। तो ये सारे कॉटन का है, कपास का, ये कपास के एक बल्कि फूल भी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बस, ये फूल है कपास का, ये कपास का फूल है, ये बेमौसमी चल रही है अब, क्योंकि ऑलरेडी कपास तो जो है वो ख़त्म हो गई सारी। तो ये डोडे गल साहब, ये डोडे, फिर ये डोडे बन के तो फिर ये खुलेंगे, तो फिर इनमें से जो है कपास निकलेगी। ये देखें व्यूअर्स, ये भी यहाँ पे बाजरा निकाल के चाचा लोगों ने हमारे ने रखा हुआ है, ये चाचा सुल्तान ही का सारा। तो ये अभी ये सारा बाजरा एक जगह पर इकट्ठा कर दिया इन्होंने इसके टहनियों से उतार के। तो जैसे आपको पहले बताया था कि ये फिर अब मशीन में आएगा, मशीन आएगी, ये खुश्क हो रहा है बाजरा इस टाइम ना धूप में, तो ये कुछ दिन 2-3 दिनों में ये मशीन आएगी, और मशीन आके फिर इसमें से बाजरा जो है वो अलग कर देगी, निकाल देगी। ये व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये खाल होती है, और रुकें जरा अहमद गिल, रुकना था बेटे। ये देखें, ये खाल है, ये खाल जिसमें से पानी गुजरता है, और ये फिर यहाँ से गुजर के पानी इस तरह ये बन्ना कहते हैं इसको, तो यहाँ से गेट खुलता है, और गेट खुल के तो फिर ये इस खेत को जो है ये सामने खेत में पानी चला जाएगा। तो ये इस खाल में से पानी आता है, तो और ये खाल जो है ये रस्ते के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो अभी ये अहमद और गिल इसी में से आ रहे हैं, और मैं भी इसी में से गुजर रहा हूँ, और इसी तरह हम ये खाल में से जाएंगे, और खाल में ये जो 7 पौधे हैं ये ऑलरेडी लगते लगते हर बंदे लगाते हैं, क्योंकि ये ज़मीन की एक तो खूबसूरती भी रहती है, और दूसरा छांव रहती है, और तीसरा ये कि ये 2 साल में खुद ब खुद इन्हें पानी लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि पानी यहाँ से ऑलरेडी गुजरता है, तो इन्हें पानी सैराब होता रहता है। तो ये पौधे जो हैं वो अच्छे रेट में 2-3 साल में बिक भी जाते हैं। तो ये देखें, ये राइट साइड पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये भी बाग है, ये ऑलमोस्ट कोई 2.5-3 साल इसकी एज होगी इन दरख्तों की ना। तो
ये वाले भी काफ़ी हद तक जो है अगले साल 3 साल बाद, यानी कि अगले साल जो है ये वाले पौधे जो है ये फल देंगे अच्छा खासा इंशाल्लाह। सही ले व्यूअर्स, ये हमारे करीबी हमारे चचा हैं, उन्होंने ये सोलर पैनल लगाया हुआ है और सोलर पैनल से वो जो है बिजली जनरेट करते हैं और ये उनका ट्यूबवेल चलता है यहाँ पे, तो अभी ट्यूबवेल चल भी रहा है। गिल साहब जरा साइड पे होइएगा, दिखाएंगे ट्यूबवेल, ये देखें ये ट्यूबवेल चल रहा है उनका और ट्यूबवेल की वजह से पानी जो है वो पानी भी ज़मीन को भी लग रहा है। और इधर ये जो है ये उन्होंने एक पूल बना दिया, इस पूल में उन्होंने मछलियों के बच्चे जो हैं तकरीबन 4-4, 5-5 इंच के जो बच्चे हैं वो इन्होंने फिश के यहाँ पे रखे हैं, लेकिन अभी वो पानी गदला है तो नज़र तो नहीं हमें भी आए, लेकिन तादाद अच्छी है जो जिसमें उन्होंने रखे हुए यहाँ पे, तो ये ब्रीडिंग करवा रहे हैं यहाँ पे फिश से। तो ये हमारे लिए मैं एक नई चीज़ थी जो पिछले तकरीबन आज से 3 माह पहले 4 माह पहले तक नहीं थी, ये इन्होंने नई बनाई है, तो ये भी आप देखिए प्लीज़। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने जिसने आपको दिखाया था कि ये एक छोटा सा फिश फार्म बनाया है यहाँ पर चाचा ने, तो ये उसके साथ ट्यूबवेल चल रहा है और अब अहमद और गिल साहब जो हैं वो शरारतें करना चाह रहे हैं, लेकिन ठंड की वजह से यहाँ पे ये शरारतें ज़्यादा नहीं कर सकेंगे, नहा नहीं सकेंगे। चल अहमद आ, 2 बजे जल्दी फिर चलें। और ये गिल साहब और अहमद, पानी कितना ठंडा बताओ ज़रा, नॉर्मल है? जब ये सर्दियों में ट्यूबवेल चलता है या नलका चलता है तो नीचे से जो पानी आता है वो तकरीबन नॉर्मल ही होता है, वो ठंडा नहीं होता ज़्यादा, ये खसूसियत है ये ज़्यादा गहरे बोरों की। ये देखें व्यूअर्स, ये किन्नू का जो है पौधा है ये, और इसको किन्नू लगे भी हुए हैं, ये देखें आप। और ये पीछे इसी तरह ये मौसम्मी है, गल साहब दिखाएं जरा मौसम्मी को भी पकड़ के, ये मौसम्मी माशाल्लाह कितनी बड़ी बड़ी साइज़ की मौसम्मी है ये, तो ये पौधा जो है ये पौधा भी कोई कम उबेश जो है वो 7-8 साल से ज़्यादा इसकी उम्र होगी पौधे की, तो इसी तरह ये पौधा है माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी फल लगा वैसे, ये देखें ऊपर तक माशाल्लाह फल है इसके, इसकी भी एज कम उबेश जो है वो 5-7 साल से ज़्यादा होगी इस पौधे की, तो ये देखें माशाल्लाह आपको फल नज़र आ रहा होगा इस पर। ये हमेशा जो फल होता है उसको इस तरह टहनी के साथ तोड़ते हैं, तो टहनी के साथ तोड़ने का फ़ायदा एक तो ये होता है कि इसकी लुक अच्छी लग रही है थोड़ी सी जिस तरह वो तस्वीर नुमा होता है, और दूसरा ये कि ये अगर टहनी के साथ होगा तो जहाँ से हमने तोड़ा है वहाँ पे नेक्स्ट सीज़न में जो है वो दोबारा फल लगेगा और 4-5 गुच्छे बनेंगे, यानी कि एक गुच्छे में इस तरह 3-3, 4-4 इकट्ठे लगे होते हैं, तो ये 4 गुच्छे में यानी कि 15 से 20 जो है वो नेक्स्ट सीज़न में लगेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 में ये है कि जब तक इसकी ये टहनी साथ है तो अगर विदाउट टहनी होगा तो ये 2-3 दिन में खुश्क होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, कोई भी फल हो तो अगर उसके साथ टहनी होगी तो वो आपको कम से कम 10-15 दिन जो है वो आपके इसी तरह सर्वाइव करेगा जितना वो फ्रेश आपने तोड़ा था, तो इसलिए जब भी पौधा खुद तोड़ें या फल वाला कोई चीज़ तोड़ें तो आप उसके साथ टहनी रखें ताकि टहनी का उसका फ़ायदा हो और उसकी ज़रा लाइफ भर जाए आपके घर में जाते हैं, अभी आपके फ्रिज में भी कम से कम उसकी लाइफ जो है वो भरी रहे। तो चलें आगे चल के दिखाते हैं आपको, ये भी है मौसमी ही है, ये देखिए व्यूअर्स ये मौसमी है, मौसमी की भी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ इसका, ये देखिए व्यूअर्स ये इसकी निशानी होती है मौसमी की, ये रिंग बना होता है इसके सर्कल, तो ये पक गई काफ़ी हद तक, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया, वरना ज़्यादातर हमारे बाग में जो है ये जब ठेके पे देते हैं बाग तो ये ग्रीन कलर में ही सेल हो जाती है, यानी कि ये अक्टूबर में सेप्टेम्बर अक्टूबर में ही ख़त्म हो जाती है, तो ये क्योंकि पौधे चाचा ने घर के लिए रखे हुए थे तो इसलिए ये इन पे फल अभी तक लगा हुआ है, तो हमने ये तोड़ भी लिया साथ अपने हिस्से के। इसी तरह जल साहब दिखाएं जरा सब व्यूअर्स को किस तरह हर पौधे पर जो है यहाँ पर इतने फल लगे हुए हैं, किसी पर कम है किसी पर ज़्यादा है, तो अब व्यूअर्स हम चलते हैं घर क्योंकि हमें कॉल आ रही है, घर पे खाना पक गया हमारा तो हम खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद हम दोबारा निकलेंगे। व्यूअर्स ये देखें ये आपको दरख्त के साथ ना कुछ लटकती हुई टहनियाँ महसूस हो रही हैं, ये टहनियाँ नहीं हैं ये शरीन का दरख्त है, शरीन का दरख्त कहलाता है ये, और ये दिखाता हूँ ये देखें ये जो स्किन कलर में ब्राउन ब्राउन आपको नज़र आ रही है ये बेटे अहमद ने भी काफ़ी ज़्यादा पकड़ी है, हमें दिखाएँ
ये देखें, ये अहमद भी काफ़ी पकड़ के लेके जा रहा है, कहता था कि मुझे दरख्त अच्छा लगा और मैं घर जाके इसके बीज लगाऊंगा। तो ये इसको शरीन की फलियां कहते हैं। ये सब ये देखें आप, वो बहुत बड़ा दरख्त है माशाल्लाह शरीन का ये वाला। तो इस पर जो है ये बहुत बड़ा दरख्त हो जाता है, लाइफ स्पैम इसका बड़ा है। और ये शरीन की फलियाँ हैं, ये जब खुश्क हो जाती हैं, जिस तरह अहमद के हाथ में आपको दिखाई ये खुश्क फलियाँ, तो उनमें से बीज निकलता है। उस बीज को आप जाके अगर लगाएंगे तो वो आपके घर में, एक घर में या लॉन में, जहाँ पे भी लगाना चाहें, तो वो एक फल, यानी कि फलदार, नहीं सॉरी, ये बड़ा खूबसूरत सा और बहुत बड़ा दरख्त जो है वो तैयार हो जाता है। और उसे भी इस तरह की ये जो फलियाँ हैं, इस तरह की फलियाँ उसे लगती रहती हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपने चाचा सुल्तान के डेरे पर वापस। तो अभी घर से हमें आवाज़ आ रही थी खाने के लिए, तो अभी हम खाना खाएँगे और खाना खा के अब यहाँ से निकलते हैं, अजहर भाई के पास जाएँगे, गुगू भैया के पास, जो चौधरी शैब के डेरे पे हैं। तो फिर इंशाल्लाह वहाँ से फैसलाबाद के लिए निकलेंगे। तो अगर रास्ते में कुछ नई चीज़ आई तो इंशाल्लाह साथ आपके शेयर करते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अभी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, तो दोबारा मुलाकात होती है आपसे।